मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल जनपद पंचायत महेश्वर के ग्राम आशापुर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पहुंचे। यहां परंपरागत आदिवासी नृत्य के साथ छात्रावास अधीक्षक बलदेव सिंह रावत के मार्गदर्शन में छात्रावास के बालकों ने तीर कमान और पुष्प गुच्छ भेंट करके महामहिम का स्वागत किया। हम आपको बता दें कि राज्यपाल पटेल ने बलदेव सिंह रावत और बच्चों से 25 मिनट तक चर्चा की। वहीं आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक और विकास खंड समन्वयक के नेतृत्व में स्वयं सहायता की महिलाओं द्वारा लगाई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया, जिसमें मुख्य रूप से पोषण वाटिका, शिवलिंग निर्माण, हाथकरघा से बनी महेश्वरी साड़ियां, चूड़ी एवं मनिहारी उत्पाद के साथ आजीविका मिशन की गतिविधियों की सराहना की और बैंक बीसी से उनके बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी दी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। अच्छा हो गया, पंछी कितना पढ़ती है, तैयारी में पढ़ती है? और अभी मैं नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही है? मम्मी की तबीयत खराब हो गई। अरे तबीयत खराब है तो दवा है, डॉक्टर है ना? एक महीना खरगोन में भर्ती थे मम्मी। तो बेटा छोड़ थोड़ा देता है, ड्रॉप के असर पर थोड़ा देता है, वापस एडमिशन ले लो। सरकार की ओर से व्यवस्था है, उसमें ही दाखिल हो जाओ। अभी तो मम्मी अच्छे हो गए, पढ़ना तो है बेटा। हाँ अच्छा ससुराल चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा पढ़िए, ठीक है, हम इसको जांच करा लेते हैं, आप जो मदद कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है, अभी पहले कैसा झोपड़ा था? कच्चा था, सरकार ने पक्का बना दिया, ठीक है। घर से पैसे लगाए, अभी समूह में से पैसे 50,000 निकाले और थोड़े से मजदूरी। हाँ तो उतना निकालना पड़ता है बेटा, इतना अच्छा घर तो कहाँ सपने में भी देखो। इतनी तू बड़ी हो गई तो भी पापा बना नहीं सकते थे, इसलिए सरकार ने मदद किया और आपका बन गया। हाँ तो थोड़ा बहुत तो अपने भी जमा किया हो, तेरी शादी के लिए भी पापा ने रखा होगा। पापा तो कुछ भी नहीं करते हो तो। अरे ऐसा बेटा थोड़ा। मेरे सामने वो दोनों बच्ची 3-4 दिन टेम्परेचर आया और चली गई। माँ बाप को खुद को मालूम नहीं है कि मेरी बच्ची को, मेरे बच्चे को ये सिकल सेल है। पहले इसलिए मैंने आकर यहाँ बताया, वो 2006 में जब भी सीएम नरेंद्र भाई थे तभी से मेरे बात सुनकर उन्होंने सारे गुजरात में एक अभियान चला दिया कि इसकी दवाइयाँ होनी चाहिए या जांच करना चाहिए। तो पहले तो बात है, अभी तक वहाँ जो काम किया है 2006 से अभी तक की बात करता है तो जांच करवा लो। आज तो यहाँ कैंप लगा हुआ है, अभी हमने देखा जांच करते हुए, ब्लड लिया थोड़ा सा और जांच करवाते हैं। यहाँ से लेबोरेटरी में, बड़ी लेबोरेटरी में जाएंगे, मगर एक बार जांच करवा ले, ट्रेड हो या डिसीज हो, ट्रेड यानी शुरुआत समझो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।